शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हिमाचल प्रांत का दो दिवसीय प्रांतीय शिक्षण वर्ग आज से सनातन धर्म मंदिर परिसर में हुआ शुरू। आज पहले दिन दो सत्रों में इसका किया गया आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय परंपरा को बढ़ाना और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे देश की नींव मजबूत बन सके और अच्छे समाज का निर्माण हो सके, इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हिमाचल प्रांत के सह संयोजक सुरेश शर्मा ने बताया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास हिमाचल प्रांत का दो दिन का शिक्षण वर्ग है ये, और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पिछले 20 वर्षों से जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में और शिक्षा के स्तर को सुधारने में उसमें कार्यरत है, और हिमाचल प्रांत का शिक्षण वर्ग जो है ये आज शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन सत्र जो है 2 बजे से शुरू हुआ है और आखिरी सत्र आज का जो है वो 8 बजे तक चलेगा। मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो भारतीय परंपरा उसको आगे बढ़ाना, शिक्षा के अंदर में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करके और भारतीय शिक्षा परंपरा को जो है वो एक वैल्यू एजुकेशन जिसको कह सकते हैं, कि सिर्फ सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन जो है वो उस तरह की शिक्षा ना हो, एक वैल्यू एजुकेशन हो जिससे जो है एक मजबूत राष्ट्र बने और आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो केवल जो है वो एक उसको अपना ये साधन ना माने कि पढ़ाई इसलिए करनी है कि मेरा जो है वो घर चले और एक इनकम का जो सोर्स मानकर हम चलते हैं, लेकिन ये एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो है शिक्षा होनी चाहिए, वैल्यू के साथ में होनी चाहिए, संस्कारों के साथ में होनी चाहिए। इसलिए जो हमारी पुरानी जो एक शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल वगैरह जो जिस तरह की शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, उस तरह की शिक्षा पद्धति में क्या क्या चीज़ें थी जो आज हमारे से छूट गई है पीछे, तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस परंपरा को मौजूदा शिक्षा के अंदर में लेकर आना और शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करना जिससे एक मजबूत राष्ट्र बने, एक मजबूत समाज बने।